शेर चार बैल। एक समय की बात है, एक जंगल में चार बैल रहते थे। वो आपस में बड़े स्नेह के साथ रहते थे। उतना ही नहीं, ये चार बैल बड़े तगड़े भी थे। एक बार जंगल का राजा शेर की नजर उन बैलों पर पड़ी, तब से उनका शिकार करके खा जाने की कोशिशों करने लगी। एक दिन चारों बैल जब घास खा रहे थे तो शेर ने पीछे से हमला कर दिया। लेकिन जब चारों बैलों ने एकजुट होकर शेर का सामना किया तो शेर की ताकत कमजोर पड़ गई और वो भाग गया। बैलों के सींग शेर के शरीर में घुस गए। शेर बहुत घायल हो गया और बड़ा दुखी हुआ। ये सब एक लोमड़ी एक छोर से देख रही थी। वो शेर के पास आई और उसके घावों के बारे में पूछताछ की। फिर उसने शेर को एक सलाह दिया। उसने कहा, देखो राजा शेर, मैं उन चार बैलों को एक रास्ते में ले जाऊंगी, तब उन पर हमला करके आसानी से मार सकते हो। उस समय से लोमड़ी ने अपनी कार्यवाही शुरू कर दी। एक दिन लोमड़ी एक बैल के पास गई। उसने कहा, दोस्त, सुना है आप चारों ने मिलकर शेर के ऊपर हमला किया था। जंगल में हर कोई इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ मुझे एक शक हो रहा है। तुम्हारे बारे में तुम्हारे बाकी मित्र तीन बैल कुछ गलत बातें बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तुम वैसे कमजोर हो और उस समय तुम कुछ कर न सके थे। इतना ही नहीं, तुम वैसे समझदार भी नहीं हो, इस तरह हर कोई कह रहा है। इस तरह की बातें उसने चारों बैलों को कह डाली। उसकी बातों में आकर चारों बैल आपस में लड़ने लगे। आखिर में अंदर ही अंदर बिखर भी गए। अब अकेले अकेले बहुत दूर चले गए। उनके अब अलग हो जाने की बात लोमड़ी ने जाकर शेर को बताया। इससे अकेले में रह रहे बैलों को एक एक करके मारने में शेर को आसानी हो गई। हर दिन एक बैल को मारकर खा गया। शेर के खाने के बाद जो बचा हुआ रहता था उसे लोमड़ी खाता रहा। सीख, साथ रहने में ही आनंद है।